इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। दुर्ग में गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित वनडे 50 ओवर ड्यूटी क्रिकेट टूर्नामेंट में 12 टीम हिस्सा ले रही है। जीसीसी कल्याण कॉलेज एकेडमी का क्रिकेट ग्राउंड में वनडे 50 ओवर ड्यूटी क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें प्रदेश भर की कई टीमें हिस्सा ले रही है। इंडिया टीम के पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान ने बताया कि आयोजन का यह तीसरा वर्ष है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग एकेडमी से 12 टीमों ने हिस्सा लिया है। पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान ने की माने तो छत्तीसगढ़ में जीसीसी की एक ऐसी एकेडमी है जो वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराती है। 4 दिसंबर को टूर्नामेंट का पहला मैच जीसीसी भिलाई और मणिगिरी रायपुर के बीच खेला गया। ये टूर्नामेंट एक्चुअली क्या है, एकेडमी जो मेरे पापा के नाम से है, तो ये हम लोगों ने एक टूर्नामेंट 50 ओवर का शुरू किया है, तीसरा साल है। और इसमें करीब करीब छत्तीसगढ़ के जितने भी वो प्लेयर हैं जो ऑफिशियल अंडर 19, 25 और रणजी ट्रॉफी खेलते हैं पूरे सीएस में, सारे बच्चे खेलते हैं। और ये एक ही टूर्नामेंट है जो 50 ओवर का भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो इस बार थोड़ा सा हमने कोशिश की, प्राइज मनी भी बढ़ा दिया है थोड़ा सा। कितना सर प्राइज? प्राइज मनी 51,000 और 31,000 है। और दूसरा हम कोशिश किए कि हम हमेशा 8 टीम लेके करते थे, इस बार हमने 12 टीम की है। और अब डैडी के नाम से है, करने की कोशिश की है कि भाई इस टूर्नामेंट को हम इस्टेब्लिश करें और चलता रहे लंबे से। नहीं, दिखना चाहिए था। एक्चुअल में हुआ है कि एक दो लोग थे, लेकिन अब वो बच्चे सब वापस आ गए, मतलब हो नहीं पाया। हाँ, बढ़ नहीं पाया। हरप्रीत से भी उम्मीद थी, वो भी नहीं कर सका। कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो अंडर 19 में 2-3 लड़के हैं हमारे पास, उम्मीद है आने वाले 2 साल के अंदर हम कोई ना कोई अच्छा प्लेयर हम ऊपर देंगे। एक्चुअली डेडिकेशन में सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, अभी जो सुविधाएं बहुत हैं, एक डेडिकेशन में मतलब कहना है एक रूटीन में चलते हैं वो। रूटीन वाले, देखिए रूटीन में नहीं होता है ये, जो आपका अगर ऊपर लेवल पे जाना है तो आपको रूटीन से हटके चलना पड़ेगा। रूटीन में अगर आप चलेंगे तो रूटीन में तो सब चलते हैं, अलग करनी पड़ती।